Abi ihtaram olur mu milletin o zaman bayram? Hamari muhtubu yahan tak pahunci ki Allah bin izzet ne Ramazan ke mahine mein roze farz kiye lekin us roop itna hakimana us roop itna shafiqana mushfiqana ki jiski कोई इंतहा नहीं जिस तरह वालदैन अपने बच्चे को कोई कड़वी दवाई पिलाते हैं तो उसे बला फसला कर उसे समझा कर उसे दिलासे दे देकर उसे वो दवाई पिलाते हैं बिल्कुल इसी तरह मेरा अल्लाह अपने बंदों को दिलासे दे देकर रोजे रखवा पहला दरासा उस रिश्ते का जिक्र किया जो खालिक और मखलूक के साथ है वो है अल्लाह की ज़ात पे ईमान दूसरा दरासा कि बराए रास्त हुक्म नहीं दिया सीधे मजरूह के साथ है तीसरा दरासा कि ये कोई आप पर इम्तियाजी कानून नहीं बनाया बल्कि इससे पहले उम्मतों पर भी गया चौथा दरासा कि इसके रोज़ा के इस अमल से गुजरने पर मेरी किबरियाई में मेरी खुदाई में मेरी बड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लअल्लकुम तत्तकून तुम्हें ही फायदा होगा तुम्हारे अंदर परहेज़गारी आएगी तुम्हारे अंदर इस इस्तेदाद बढ़ेगी रब के साथ तुम पैदा अब ये चार दरासे देने के बाद पांचवा दरासा मेरा नाम दे रहा है अय्यामुल्लाह बिल्कुल इसी तरह जब बच्चे को दवाई दे रहे हैं थोड़ी सी थोड़ी सी बस थोड़ी सी दवाई वो कह रहे हैं आप थोड़ी सी अब ये पांचवा दरासा है अय्यामुल्लाह ये तो गिनती के लिए नहीं कि कोई तो नफा जोड़ा है साल किताब है और ये दुनिया का उसूल है ये दुनिया का दस्तूर है कि जिस चीज की भी गिनती शुरू हो जाए वो चीज खत्म हो जाए ये दुनिया का उसूल है कि जिस चीज की आप गिनती शुरू करें तो आखिर गिनती की इंतहा हो जाती है ये सिर्फ आखिरत की जिंदगी है जिसमें गिनती ही नहीं है ये सिर्फ आखिरत की जिंदगी है जिसमें गिनती ही नहीं है दुनिया में जिन्होंने 10 सदियां जिंदगी गुजारी उनसे भी पूछा गया कैसा प्याम रहा तो कहने लगे यूं लगा एक दरवाजे से दाखिल हुए दूसरे से निकले हुए 10 सदियां जिंदगी गुजारने वाले जब वो ये कहते हैं तो मेरी और आपकी क्या जिंदगी है अय्याम मादूदा अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी भी गिनती के लिए गिनती के लिए हम में से हर एक की गिनती शुरू है एक एक सांस की गिनती हो रही है एक एक लुकमे की गिनती हो रही है एक एक सुबह शाम की गिनती हो रही है अब पता नहीं कितनी सुबह हमें बेच रहे कितनी नहीं है जब हम दुनिया में आए तो जिस्म पे कपड़ा नहीं था खाली हाथ थे जब दुनिया से जाएंगे तब भी जिस्म पे लिबास नहीं होगा जिस तरह नंगे तड़ंगे आए थे घर वालों ने चादर में लपेटा था उसी तरह घर वाले चादर में लपेट कर कब्रिस्तान के सुनो अगर हमारी जिंदगी में सिर्फ ये चीज पैदा हो जाए कि जिस जगह हम रह रहे हैं ये आरजी क्याम का है ये मुस्तकिल ठिकाना नहीं है
हमारी सोचें बदल जाएंगे, हमारी फिक्र बदल जाएगी, हमारी डायरेक्शन बदल जाएगी। जब सिर्फ और सिर्फ ये हमारे जहन में बैठ जाए कि ये जहां पे हमारा प्याम है ये आरजी प्याम का है, इसके दरमियान जो कुछ हमें मिल रहा है ये बेनिफिट, ये जो दरमियान में मिल रहा है बॉक्स है, ये कोई हमारा हक नहीं है। हम तो आए थे कुछ नहीं था, जब जाएंगे कुछ नहीं होगा। ये जो दरमियान में अगर हमें आसूदगी मिल गई, चार पैसे मिल गए, अच्छी जिंदगी मिल गई, तो ये कुदरत की तरफ से अता है, ये उसका फजल और उसका कर्म है, ये कोई हमारा मेहनत नहीं है, हमारा इस्तेहकार नहीं है। के पास एक बंदा आया, कहने लगा पैसे देना चाहता हूं किसी को सदका, किसी को सदका, लेकिन समझ नहीं आती कौन मुस्तहिक है कौन मुस्तहिक नहीं है, तो इसके लिए बड़ा परेशान रहता। ने मुस्कुराकर कहा, मिया तुम जाहिर हालात को देखकर जो कुछ देना चाहते हो दे दिया करो, लंबी जोड़ी तहकीक और तफ्तीश में ना पड़ा करो, ये इस्तेहकार और अगले इस्तेहकार के चक्कर में ना पड़ा करो, क्या जो कुछ तुझे मिल रहा है तुम्हारे इस्तेहकार की वजह से मिल रहा है, जो कुछ उसने तुझे अदा किया है क्या ये तुम्हारे इस्तेहकार की वजह से मिल रहा है? अगर तुझे देने वाले ने बगैर इस्तेहकार के दे दिया है तो तू कौन होता है इतनी खोज करने वाला कि फलां मुस्तहिक है या मुस्तहिक नहीं? तुम जाहिर अहवाल को देखो और जाहिर अहवाल को देखकर तुम अल्लाह के नाम पर दे दिया करो, तुम कितनी लंबी जोड़ी तहकीक और तफ्तीश में न पड़ा। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों, ये भी बड़ा अजीब, एक शख्स है उसके घर में भूख है और बहुत शिद्दत की, अब वो परेशान है कि याद बताया मेरे लिए तकलीफ कैसे खत्म हो, बच्चों का बिरंग रोना बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो एक बुजुर्ग और सारे आदमी के पास पहुंचा, अल्लाह ये मसला है घर में बड़ी तकलीफ है, भूख है, तंदुरुस्ती है, तो वो हीरा बताया, कहा यार चल चलते हैं समंदर से कोई शिकार करते हैं तो देखो शायद कोई मछली आ जाए तुझे दे देते हैं, कोई बाजार में बेच के निकाल कर। तो जाके बैठ गए, मछली आ गई, घर में लाकर उसको काटा, उससे मोती निकलाया, तो कहा अच्छा ये कर ये मोती ले जा, इससे जाकर घर के लिए आटा या पराठे या कोई चीज बनी हुई ले जा ताकि तेरे बच्चे। अब वो जब पहुंचा तो उसने कोई पराठे वगैरह लिए जो सामान मेरे सर, तो रास्ते में देखता है खातून है बच्चे हैं उसके साथ, वो रो रही है बिलख रही है, अम्मा क्या हुआ? बेटा तीन चार दिन से मैं भी भूखी हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, बस अम्मा रहे। उसने कहा हम तो वैसे ही भरे हुए हैं, चलो एक को जिंदगी दे दें बेचारे। उसने वो पराठे सारे उसे को दे दिए, अम्मा तू खा, असल फिर रो।
अब ये बड़ा परेशान घर पहुंचा, वो जो थे वो थे, घर वाले इंतजार में कुछ लेके आए। अब इसके पास तो कुछ है नहीं, टूटे हुए कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ रहा है। तो घर पहुंचा, बच्चों ने कहा आज भी इसी तरह, आज इसी तरह। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई तो एक शख्स आया, उसने पूछा तुम्हारा नाम ये है? कहा जी हाँ। तुम फलां के बेटे हो? कहा हाँ। उसने एक थैली दिखाई, कहा तेरा बाप तिजारत की गरज से हमारे घर गया था, उसका वही इंतकाल हुआ था। ये 30,000 दिरहम उसने मेरे पास अमानत रखे थे कि ये मेरा बेटा है, ये उसका नाम है, ये गांव है, तो ये रकम उस तक पहुंचा देना। तो मैं तलाश करते करते मारे मारे आज तुझ तक पहुंचाऊं, तो ये तेरी अमानत है दोस्त। अब जब ये अमानत वसूल हो गई, अब ये अमीर कभी हो गए। जब अमीर कभी हो गया तो इसने दस्तरखान वसी कर दी, इसको भूख का एहसास, क्योंकि रोजे के अंदर खासियत यही है कि ये भूखा रखकर दूसरे भूखे की भूख का एहसास दिलाता है। उसने गुर्बत देखी थी, उसने तंगी देखी थी, तो उसने लोगों की मदद और बाकी सारी चीजें शुरू। सो रहा है तो ख्वाब देखता है कि मैदान महशर आए। एक तरफ उसकी गलतियां हैं, गुनाह है, दूसरी तरफ उसकी सखावत है, उसकी सखावत उसके पकड़े करती है, गुनाह वाला पकड़ा फिर भी पड़ा, फलां सखावत, फलां बेवा, फलां 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 फलां, लेकिन पकड़ा नहीं। अब इसको पसीने छूटे तो फरिश्ते पूछते हैं, कोई और अमल भी बाकी रहा है? कहा इसके तो दो पराठे बाकी हैं जो एक बेवा और मिस्कीन को भूख दे दी थी। कहा वो रखो, तो वो जो ही रखे तो गुनाह वाला पर्रा उठ गया। अब ये तड़प कर बेदार हुआ तो अपने बुजुर्ग के पास पहुंचा, आलिम के पास पहुंचा, हजरत ये था, कहा तेरी बाकी जितनी भी शताब्दी थी उनमें कहीं ना कहीं रियाकारी जरूर थी, लेकिन वो जो अमल दे रहा था वो महज अल्लाह के लिए था, अल्लाह ने उसमें इतना वजन पैदा कर दिया। इसलिए मेरे बहुत ही काबिल कदर दोस्तों, ये गिनती के दिन है, इसमें जो भी अमल किया जाए वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के। और अगर अल्लाह को राजी करने के लिए हमारा अमल होगा, हमारा अल्लाह हमसे अगर राजी हो गया तो फिर सारी कायनात हमारी है। इसलिए बादशाह ने अपने गुजरात को कहा कि आज तुम जो चाहो मर्जी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने सोचा कि आज बादशाह अपने मूड में, तो किसी ने कहा वो फला रियासत बड़ी होता है मुझे दिखा दे, किसी ने कहा वो फला किला बहुत बड़ा मुझे दे, किसी ने कहा फला जायदाद बहुत बड़ी दे। वो जो उसकी खादिमा थी तो वो पंखा झील रही थी, तो उससे पूछा तू भी मान ले? उसने कहा पहले इन बेवकूफों को मांगने थे फिर मैं मांगूंगी। तो
तो बादशाह को उसके इस जवाब से बड़ा गुस्सा आया, इतने दानिशवर वजीर, इतनी बड़ी काबीना, और उस काबीना को ये जनाब बेवकूफ कह रही है। खैर तब सबने मान लिया, कहा अच्छा तू दानिशवर है, तू मान, तू क्या मानती। उसने कहा जो मैं मांगूंगी वो दे। कहा जब सबको दिया तुझे क्यों नहीं। तो उसने अपना हाथ बादशाह के कंधे पे रख दिया कि मैं तुझसे तेरी जात मांग रही हूं कि तू मेरा बन जा। बस अगर सबको दिया है तो फिर मैं भी तुझसे मांगी तू मेरा बन जा। तो कहा देख अगर तू मेरा बन गया तो तेरी सारी रियासत मेरी रियासत हो जाएगी, तेरा सारा इख्तियार मेरा इख्तियार हो जाएगा, तेरा सब कुछ मेरा हो जाएगा। इसीलिए मेरे काबिल एहतराम भाई जो छोटा होता है वो अल्लाह से छोटी छोटी चीजें मांगता है, और जो बड़ा होता है वो अल्लाह से अल्लाह की साथ मांगता है। अल्लाह तू हमारा अल्लाह, हम तेरे बनते हैं, तेरी लुत्फ आता, तेरा फजल, तेरा करम वो हमें मिल जाए। लिहाजा तीन गिनती के दिन होंगे, अय्याम महदूदा, ये गिनती के दिन है, और इन गिनती के दिनों में फमन का मिनकुम मरीदन औ अला सफर फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। पांचवें खलासे का जिक्र किया, गिनती के दिन है, कोई पूरे साल के रोजे नहीं है, एक महीना बर्दाश्त करो, देखो तुम्हें कितना अजर मिलता है। और फिर छठा दिलासा अल्लाह एक और दे रहे हैं, इतनी मोहब्बतों के साथ, इतनी शफकतों के साथ अपने बंदे से मेरा रब रोजा रखवा रहा है। वो अगर वो गैर रमजान में सारी जिंदगी रोजा रखे तो उस तक नहीं पहुंच सकता। फजीलत इतनी बड़ी, मकाम इतना बड़ा, लेकिन कितने बड़े अमल को